हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, बहुत देर के इंतज़ार के बाद आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ कंप्यूटर क्लास की मैराथन लेकर। कंप्यूटर अवेयरनेस का मैराथन दोस्तों, ये क्लास ऑलमोस्ट 3 घंटे की होने वाली है। तो जिस जिसने भी स्टार्ट नहीं किया है, चैनल नहीं देखा है और नहीं ओपन किया है लाइव क्लास को, तो वो ओपन कर ले, ठीक है? क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों? और आप देखेंगे कि इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरबीआई मेंस में और अरबी क्लर्क के मेंस में और अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के उसमें ये आने वाले हैं, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। और आप देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जितने टॉपिक मैं बताऊंगा, पूरा सिलेबस आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है? और एक दिन में ही आप A to Z सिलेबस कवर करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज को इजी वे में समझेंगे। तो अगर आपको लगे, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। लास्ट के मैं जब 1.5 घंटे हो जाएंगे, तो उस बीच में मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह लूँगा 10 मिनट के ब्रेक में, ठीक है? जो जो क्वेरी आपकी होंगी उससे पहले नहीं, और एक बार लास्ट में, ठीक है? तो 2 बार मैं क्वेरीज लूँगा आपकी, और जो भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना उसके बारे में, तो टॉपिक समझ में ना आए उसके बारे में, ठीक है? तो 3 घंटे तक बैठना है, पानी पी के बैठिए और कुछ खा पी के बैठिए, ठीक है? और नहीं तो बाद में रिपीटेड क्लास देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मैराथन। ये अवेयरनेस क्लास सब एग्जाम के लिए है, बैंकिंग के एग्जाम, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट और ECGC के पीओ के लिए है, IBCI में भी आते हैं कंप्यूटर एग्जाम, और RRB असिस्टेंट में तो आते ही हैं, RRB पीओ में आते ही हैं, तो इन सब के लिए क्लास है, ठीक है दोस्तों? तो कंटेंट सिलेबस आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं बिलीव कर देता हूँ कि इसकी हिस्ट्री आती है, ठीक है? हिस्ट्री आती ही आती है आपके पास, और आप जब भी कंप्यूटर की एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंटेंट पता होना चाहिए, क्या क्या आने वाला है वो पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो आपका जो तैयारी एक सटीक तरीके से नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसलिए पहले सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री, जनरेशन कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसकी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी बोले तो इम्पोर्टेंट वन लाइनर होंगे जो एक लाइन में हम समझेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है दोस्तों? और उसके बाद इन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, एमएस ऑफिस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी देखेंगे, और टाइम बचेगा तो और मिसलेनियस कंप्यूटर नॉलेज की क्वेश्चन भी देखेंगे। उसके बाद आरबीपीओ क्लर्क के जो मेमोरी बेस्ड है 2019 में आए हैं वो भी देखेंगे, पीओ 2018 और 2019 में और 17 में भी, ठीक है? ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये मैराथन क्लास है, इसमें सारा कुछ बहुत मतलब फटाफट होने वाला है। जिसने अगर अभी तक लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किया तो वो कर दे, और उसके बाद एक बार हम आगे निकल गए तो फिर वो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डिटेल क्लास नहीं है, डेली की क्लास नहीं है, जिसमें कि आप मैं स्लोली और डिटेल में बताऊँ। मैराथन क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे इजी वे में, अच्छे से, ठीक है? ताकि आपका काम, अगर आप एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन पहले भी इस क्लास को देखें तो आपका सारा कुछ कवर हो जाए। ये मैराथन क्लास इसलिए है कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन करने के लिए मोटा मोटा सारा कुछ देखें। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की वो देखें, बाकी रिवीजन करने के लिए इसको देखें, ताकि आपका सारा सिलेबस रिवीजन हो जाए सिर्फ 3 घंटे में, ठीक है? तो ये उन्हीं के लिए है मैराथन क्लास, जो रिवीजन करेंगे, जो शॉर्ट में समझना चाहते हैं सारी चीज़ें, सारा पढ़ चुके हैं और उसके बाद
वीक में 3 घंटे पढ़ के अपना शार्प माइंड तैयार कर ले, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री कंप्यूटर हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाला, सारा कुछ मतलब समझाने वाला कुछ नहीं है, सारा कुछ पढ़ने वाला है और रट्टा मारने वाला है, ठीक है। इसने कंप्यूटर की मतलब इन्वेंट किया और कब क्या हुआ, ये सारी हिस्ट्री है, सारी पढ़ने वाली है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं। मैं वो चीज़ एलेबरेट करूँगा, वो चीज़ बताऊँगा जो समझने वाली हो, जो समझाने वाली हो, टेक्निकल लैंग्वेज में टफ लगती है, तो इसी भाषा में मैं उसको बता सकूँ, उस चीज़ को मैं बताऊँगा, एलेबरेट करूँगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। सबसे पहला है डिफरेंस इंजन, ठीक है। किसने बनाया था, जिसने कंप्यूटर को बनाया था, वो भी डिफरेंस इंजन उसने ही बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर भी उसने ही बनाया था। तो ये सारी हिस्ट्री है। एनालिटिकल इंजन इंजन भी उसने बनाया है, और मार्क वन कंप्यूटर किसने बनाया है, ये किसने बनाया है, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है सेटिंग में, कोई बात नहीं, फिर भी आप उसको देख लेंगे, क्योंकि आगे डिटेल में भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है। एडवर्ड किसने इन्वेंट किया था, जॉन बेक नोशली ने, और उसके साथ में जे प्रेस्पर बाइनरी सी बाइनरी ने, जे प्रेस्पर ने, जूनियर प्रेस्पर ने साथ में मिलके इन्वेंट किया था, ठीक है। और जो फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है, और जिसकी इन्वेंशन है साइड में, वो भी इन्हीं की है। भी बनाया साथ में ये भी बनाया। तो ये हिस्ट्री है, एक नंबर में आ सकती है, क्वेश्चन इजी होगा, क्वेश्चन का लेवल जब इजी होगा तो ये आ सकता है, तो एक एक नंबर से ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो इस चीज़ को नहीं छोड़ना है। फिर है लीसा, लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इसको किसने बनाया है, एप्पल ने, ठीक है। अर्पानेट क्या होता है, ये सब क्या है समझेंगे हम, और ये इसके इन्वेंशन किसने किया है, ये हिस्ट्री आप एक एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री एक एक बार जरूर देख लेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड करके भी दोबारा रिविजन करते हुए देख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट में समझना है, एक नंबर या 1.5 नंबर 2 नंबर का मुश्किल से इसमें से हिस्ट्री में से आएगा, जब इजी लेवल को होता है तो आता है, लेकिन 1 नंबर का तैयार रखना है, इसमें से आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर से ही जोड़ना है मार्क्स। ENIAC वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाई, आगे हमने पढ़ाई था, एंड जॉन मोस्ली एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसविल्ला, एंड बिगेन कंस्ट्रक्शन इन 1943। 1943 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कंस्ट्रक्शन इसका, ठीक है। इसके बारे में तो नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ये आ सकता है हिस्ट्री में कि किसने बनाया, ठीक है। और थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, इट रिलीज आ सीरीज मेन फ्रेम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर एंड द नेम ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक किसने बनाया, ठीक है, मोस्टली कंप्यूटर ने, मोस्टली कंप्यूटर है कॉर्पोरेशन उसने इन्वेंट किया था। अब हिस्ट्री के दूसरा जो है, जिसमें से 1 नंबर का आ सकता है, एक एक नंबर से जोड़ना हमें मार्क्स, ठीक है, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है, क्या आता है मैं बता देता हूँ। आता ये है दोस्तों, ये नहीं पूछेंगे कब से कब स्टार्ट हुई है, इतना इजी लेवल नहीं आता है। आएगा तो क्या आएगा कि उसमें जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में सर्किटरी क्या यूज़ हुई है, ठीक है, और ट्रांजिस्टर यूज हुआ है सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन। मैंने ऐसा चार्ट बनाया ताकि आपको बहुत आसानी से याद रहे, आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सेकंड फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, थर्ड में IC, फोर्थ में VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में USB, ठीक है। ये सारी चीज़ें जनरेशन वाइज आपको याद रखना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए, 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकें। मेमोरी कैपेसिटी कितनी थी, 20 KB फर्स्ट में, सेकंड में 128, 1 MB, सेमीकंडक्टर का यूज होने लग गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है।
रट्टा मार लेना है, अगर याद ना रहे आपको मैं तरीका बता देता हूँ कैसे याद करना है, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखनी है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, ठीक है, उसकी सारी सीरीज भी याद रख लेना है कि 20 KB है, ठीक है, सबसे मिनिमम वाला है जो ऑप्शन में आएगा। फर्स्ट जनरेशन में 300 IPS जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो ये सारा, ठीक है, C++, जावा, CC, किस किस में यूज हुए हैं ये सारा इसमें याद करते जाना, सारा याद कर लेना एक बार बस। उसके बाद हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं, एक नंबर का हिस्ट्री हो गया, एक नंबर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया, दो नंबर की तैयारी हमारी हो गई है, ठीक है। फिर आया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मतलब इजी वे में पढ़ने के लिए क्या है हमारा कंप्यूटेशनल मेथड, इसके हिसाब से अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो तीन टाइप के होते हैं कंप्यूटर, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीन टाइप के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। फिर साइज एंड कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, चार टाइप के हो गए, ठीक है। पर्पज के हिसाब से देखें तो जनरल एंड स्पेशल पर्पज, ठीक, तीन टाइप की कैटेगरी है। डिजिटल आगे धीरे धीरे हम सारे पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बहुत आसान सा चार्ट बना रखा है ताकि आपको याद रहे। तो एनालॉग, एनालॉग से आप समझते हैं मतलब एनालॉग किसने इसको इन्वेंट किया, लॉर्ड केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन के द्वारा ये इन्वेंट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो एनालॉग का कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है, हमारी वॉच जो सुई वाली घड़ी होती है वो एनालॉग का ही एग्जांपल है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाई मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल्स सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, साउंड ऑफ कर रहा था, मेरी साउंड मुझे ही सुनाई दे रही थी इसलिए ऑफ कर रहा था। तो डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग मैंने बताया कि न्यूमेरिकल डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय मेजरेबल फिजिकल वेरिएबल सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, और इसका जो एग्जांपल है रियल एग्जांपल थर्मामीटर, इज ए सिंपल एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, सिंपल एनालॉग कंप्यूटर है थर्मामीटर। एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ सकता है कि एनालॉग डिजिटल का एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है तो आप लिख देंगे, उसमें ऑप्शन आएगा थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर जो हमारी डिजिटल वॉच होती है 01 की फॉर्म में आती है उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पासवर्ड हम पढ़ते जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो बहुत स्मॉल और होम पर्पज से पर्सनल यूज के लिए होता है, वो बेस्ट स्टोरिंग इसकी मतलब जो स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। मिनी कंप्यूटर जो हमारा घर का डेस्कटॉप होता है और ऑफिस यूज में जो यूज होता है वो भी मिनी कंप्यूटर कहलाता है। कभी कभी हम इसको सर्वर के लिए यूज, छोटे मिनी सर्वर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दो कंप्यूटर से लेकर 200 यूजर इसमें ऐड हो सकते हैं। मेन फ्रेम जैसे कि नाम से ही पता है, मेन फ्रेम मेमोरी प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है और सर्वर के पर्पज से ही यूज होता है इसमें, और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे नाम से ही पता है, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और वेपन डिजाइनिंग के लिए इसका यूज होता है। और जो फर्स्ट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600। तो ये जो होता है तीन यानी कि 6600 CDC 6600 सक्सेसफुल कंप्यूटर है जो कि फर्स्ट कंप्यूटर था। उसके बाद जो चाइना का सबसे मतलब फास्ट सबसे सुपर कंप्यूटर जो फास्ट बोलते हैं इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, वो है चाइना का, नाम से पता है सनवे त्यू लाइट, त्यू लाइट, सनवे त्यू लाइट, चाइना का फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड है वो चाइना का है, ये याद रखना है, ठीक है। परम इंडिया का है, परम 8000 इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाई सी डैक पुणे 1998। ये छोटी छोटी चीजें आ सकती है याद रखना, लेकिन जो मेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं बताते जाऊंगा। फिर है
टी इज कंसिडर्ड एज इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का फर्स्ट जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नाम नहीं आया तो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है वो भी आ सकता है, तो देख सकते हैं आई आई ऑफ साइंस, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक सिंपल वे में समझे कि बहुत सारे कंप्यूटर को हेल्प करने के लिए, यानी कि वर्क स्टेशन प्रोवाइड कराने के लिए, डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट सर्व द नीड्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द अदर प्रोग्राम्स और कंप्यूटर, ठीक है। वर्क स्टेशन क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप है जो एक सिंगल यूजर ऑपरेट करता है, उसे वर्क स्टेशन बोलते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ सिंगल कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप, उसको हम वर्क स्टेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस आर कंप्यूटर स्पेशल डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक, कोई भी इंफॉर्मेशन टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें उसे परफॉर्म करने के लिए यूजर फ्रेंडली हो, उस अप्लाइंसेस को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन अप्लाइंसेस। जैसे कि सिस्टम, फोटोग्राफी के लिए कैमरा। एन एम्बेडेड सिस्टम इज ए कंप्यूटर सिस्टम विद अ डेडिकेटेड फंक्शन विद इन अ लार्ज सिस्टम, मतलब कोई भी जो एम्बेडेड सिस्टम, पहले बात तो एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, एम्बेडेड सिस्टम हर वो सिस्टम जो कंप्यूटराइज होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, उसमें जैसे कि हमारा कार, एक कार का मोटर हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन का मोटर हो गया, कुछ भी होगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिसमें प्रोग्रामिंग है उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट समझते हैं हम, इनपुट आउटपुट क्या होता है, डिवाइसेस क्या होती हैं, चार्ट के द्वारा हम समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर किससे बनता है, इनपुट डिवाइस से, प्रोसेसिंग डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस से, स्टोरेज डिवाइसेस से, इन सब से मिलके कंप्यूटर हार्डवेयर बनता है हमारा। तो क्या है, कीबोर्ड सबसे पहले आपको पता ही है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, सब पता है, ठीक है, सब इनपुट डिवाइस के लिए यूज़ होते हैं। ट्रैक बॉल क्या हो गया, टच पैड हो गया, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है मेरी कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में, देखना तीसरी या दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने इनपुट डिवाइसेस को और कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसमें ज़रूर देखना, ठीक है। टच पैड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ओसीआर, वीसीआर, ओएमआर, एमआर, माइकर, एमआर, ये माइकर है यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट प्रिंट हो गया, बायोमेट्रिक्स और डिजिटाइजर और स्टाइलस, ठीक है। और प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसर हो गया, रैम, रोम, एसएमपीएस, मदरबोर्ड, ये सारा हमने देख लिया है मेरी क्लास की मेन सीरीज में, जो कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज है उसमें जरूर मैंने सारा डिटेल बताया, और बाकी हम शॉर्ट में याद देख लेंगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, इसमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि क्या क्या होता ही है, अंदर से क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं यहाँ पर जस्ट आपको रिविजन करा रहा हूँ। सारा ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेट डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क में डीवीडी सीडी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क टेप में जो पहले यूज होती थी टेप, वीसीआर में जो यूज होती थी, अब मैग्नेटिक डिस्क में जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं वो, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी ड्राइव वगैरह, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और ये मेमोरी कार्ड, ये फ्लैश ड्राइव होता है, ठीक है। यही हम डिटेल में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट आपको पता ही है, कोई भी कमांड हम कंप्यूटर में देते हैं वो इनपुट है, और जो भी आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिखता है या प्रिंट आउट की जो कमांड जाती है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना से नहीं आएगा, आपको रिवीजन करा रहे हैं तो सब क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बताता हूँ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, मतलब अगर सेंट्रल सीपीयू अगर कंप्यूटर में नहीं है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है, बेकार है वो, मतलब हमारे जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर अगर माइंड नहीं होगा तो क्या कहलाता है, आप समझ गए खुद, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो सीपीयू है। सीपीयू का काम क्या, इट हैंडल्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस यू गिव योर कंप्यूटर, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देंगे तो वो सब ये हैंडल करता है सीपीयू, ठीक है।
अब इसके टाइप देख लेते हैं कि क्या टाइप होते हैं, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इनपुट, हमने जो इनपुट दिया वो डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। उसके अंदर भी, सीपीयू के अंदर भी तीन, मतलब तीन सर्किट हैं, कंट्रोल यूनिट, ईएलयू और मेमोरी यूनिट, फिर आता है आउटपुट यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में तीन आते हैं, और इनपुट जैसे हमने कीबोर्ड से एंटर किया वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, ठीक है, ये सारे हम देखते हैं यहाँ पर। कंट्रोल यूनिट और फिर कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसर की जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, जो भी ऑपरेशन होते हैं, वो सारा ये कंट्रोल करता है। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू, मतलब जितने भी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो फंक्शन और जो कमांड आती है, मैथमेटिकल फंक्शन जो करते हैं, वो सारा मतलब इसके थ्रू होते हैं, कंट्रोल होती है इसके थ्रू। और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ये हमारी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन को रिस्पॉन्ड करता है उसके लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। इंस्ट्रक्शन एजुकेशन क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कमांड दी प्रिंट, तो वो क्या एक इंस्ट्रक्शन ही हुआ। तो इसका काम, ये काम कौन करता है, हमारा प्रोसेसर ही करता है। हमने जो कमांड दी वो कहाँ जाती है, प्रोसेसर में जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एजुकेशन। प्रोग्राम विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी हमें कमांड देते हैं वो स्टोर्ड होती है मेमोरी में, ठीक है। द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम टू कम्प्लीट अ टास्क, एंड दिस एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सीपीयू विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर ईएलयू। अब तो यहाँ पे जो टर्म आया वो रजिस्टर क्या है। रजिस्टर वो मतलब एक स्मॉल मेमोरी है जो कि प्रोसेसर यूज करता है। मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कुछ देर के लिए, ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेसर तुरंत उसको प्रोसेस कर देता है। एक कमांड ऑलरेडी उसमें गई हुई है तो दूसरी भी जाने के लिए उसमें क्यू में जाता है, तो प्रोसेसर होल्ड कहाँ करता है। तो उस प्रोसेसर के अंदर भी छोटी सी मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो उस ये मेमोरी के भी टाइप है। पहला टाइप है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, नाम से पता चला है, विच स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिकल और लॉजिकल हम देते हैं, हम जैसे प्लस माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, ये सारे इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर जाते हैं। तो उस तरह के, मतलब उसके अंदर कैटेगरी बना दी गई सीपीयू के अंदर की किस टाइप के इंस्ट्रक्शन तुम होल्ड करोगे। मैंने तीन लोगों को काम डिवाइड कर दिया, ये वाला काम तू हैंडल करेगा, ये काम तू हैंडल करेगा, ये काम तू हैंडल करेगा। अब मुझे मतलब नहीं, मैंने हायर कर दिया तीन लोगों को और टेंशन मेरी खत्म, ठीक है। तो ये तीन मैनेजर, चार मैनेजर हो गए इसके। तो अर्थमेटिकल से कोई कमांड आई तो एक्यूमुलेटर उसको, रजिस्टर उसको होल्ड करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अब जो इंस्ट्रक्शन आए हैं वो भी कहीं होल्ड करने के लिए कुछ मेमोरी होगी, तो उसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। कुछ देर के लिए होल्ड करना है, उस रजिस्टर में होल्ड करते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसमें से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये ध्यान से पढ़ना, उसको समझना, ठीक है। विच कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड। ये कौन डिसाइड करता है कि सीपीयू में कौन सा, मतलब कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर हो, ये सारा काम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही करता है, ठीक है। फिर आया प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर से नाम से पता चल रहा है, कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट, मतलब मैंने जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड दी वो वेटिंग में चला गया, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन लगातार गए तो उसको डिसाइड कौन कौन करेगी, पहले किसको एग्जीक्यूट करना है वो करेगा प्रोग्राम काउंटर। सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, वो उसको डिसाइड करेगा कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विच कंटेन द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड, मतलब करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड। आगे से प्रोग्राम काउंटर से हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया कि ये वाला नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, लेकिन उसके बाद इंस्ट्रक्शन काउंटर को डिसाइड करना है फाइनली, हाँ मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये किसका काम है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। दोस्तों अंदर की बात है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना,
से चार नंबर का, दो नंबर का यहीं से आ सकता है। क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं, ऐसे आते हैं जो डीप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामिनर बिल्कुल अलर्ट अलर्ट हो चुके हैं, बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो वो और एक्स्ट्रा अंदर अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो हमने दो तीन नंबर का हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहीं पर, यहीं पर। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता ही है, लेकिन किस किस टाइप के कीबोर्ड होते हैं। क्वार्टी, जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो क्वार्टी ही कहलाते हैं। इसमें की सबसे पहली लाइन क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई का होता है, आपने देखा होगा क्यू डब्ल्यू स्टार्ट होता है, तो इन सबको हम क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। अब इसमें फंक्शन कीज, मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें, पहली या दूसरी वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया है कि कीबोर्ड को अच्छे से एलेबोरेट किया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में मैंने बताया ढंग से। तो वहाँ पर देखना फंक्शन कीज क्या होती हैं, F1 F2 12 तक क्या होते हैं ये, इनका फंक्शन का यूज़ क्या है, ये सारा कुछ मैंने वो उस वीडियो में बताया है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊँगा डिटेल में, मैराथन क्लास है, सारा कुछ कवर करना है, सिर्फ रिविजन करना है। फंक्शन कीज स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज की जाती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर F1 हेल्प के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए, F2 F12 हमारी सिस्टम को रिबूट यानी कि बूट ऑप्शन को इनेबल करने के लिए, और F6 है F8 बायोस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए फंक्शन कीज का यूज़ होता है। टॉगल कीज हमारी जो राइट हैंड साइड पे होती हैं, कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, आप बिल्कुल जानते हैं, मैं मानता हूँ आप जानते हैं, वीडियो देख लीजिए डिटेल पता चल जाएगा। मॉडिफायर कीज, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल फंक्शन, इनको मॉडिफायर की क्यों कहते हैं, क्योंकि हम हमारी जो की होती है 1 2 3 4 5 6, उनमें डबल न्यूमेरिक के अलावा स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं, उनको यूज करने के लिए हमें इनमें से कोई की प्रेस करनी पड़ती है। जैसे कि अल्ट F4 आप प्रेस करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, और अल्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टैब पे चले जाएंगे। तो ये कीज मॉडिफायर का काम करती है, हम उसका मतलब जो मेन फंक्शन है, जैसे 4 नंबर पर डॉलर है, तो अगर मैंने उसको, मैं डॉलर है उसमें शिफ्ट के बाद 7 प्रेस करूंगा तो वो डॉलर प्रेस हो जाएगा, 4 नहीं प्रेस होगा, तो ये मॉडिफायर कहलाती है। अल्फा न्यूमेरिक आपको पता ही है, A to Z और 0 to 9, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। तो कैप्स लॉक आप समझ गए, टॉगल कीज आप समझ ही गए हैं, न्यूमेरिक कीवर्ड आप समझ गए, मॉडिफायर मैंने बता ही दिया है, माउस के बारे में आप जानते ही हैं, हिस्ट्री पढ़ लेना, माउस इनपुट डिवाइस है और इन्वेंटेड बाई डगलस एगल बार्ट, इसमें से माउस में ये आएगा नहीं। जॉयस्टिक मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जॉयस्टिक मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया है, फिर भी जॉयस्टिक इज द डिवाइस मूव्स ऑल डायरेक्शन कंट्रोल द मोमेंट ऑफ पॉइंटर, मतलब जो हमारा माउस है, पहले माउस की जगह जॉयस्टिक यूज हुआ करती थी, बट आज की डेट में सिर्फ गेमिंग के लिए यूज़ होने लग गई है। और आप जानते हैं जॉयस्टिक आपने देखी भी होगी, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। टच स्क्रीन हर कोई जानता है, मोबाइल में यूज कर रहा है, लाइट पेन, हम कोई भी टच स्क्रीन में कुछ भी लिखने के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ठीक, आप जानते ही हैं, पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते तो OMR शीट भरते थे, तो यानी कि जो भी हमारा जो डॉटेड है, डॉटेड एक हम पेपर पर डॉटेड डॉटेड राउंड करते हैं, उन सर्कल को डिजिटली कन्वर्ट करते हैं रिजल्ट में, उसको OMR शीट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर उनको रीड करता है, उन डॉटेड को रीड करता है, और यही सब इसमें लिखा हुआ पढ़ लिया। मैकर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एक स्पेसिफिकली चेक में दिखाया जाता है कि मतलब स्पेसिफिकली चेक के लिए बना है ये माइकर, माइकर चेक, माइकर से मतलब 9 डिजिट होती हैं, 3 ब्रांच को रिप्रेजेंट करती हैं, किसी बैंक की और सिटी को और किस बैंक को, तीन 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 यानी कि तीन फ्रेंड, पहली जो डिजिट होती है किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी मैंने उसमें बताया है, तो उसमें देख लेंगे। बारकोड आपको बताइए, जब हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो बारकोड रीड करते हैं और उसका प्राइस पता चल जाए, उसकी प्रोडक्ट की डिटेल आती है, तो वो बारकोड रीडर होता है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन किस लिए होता है, जो भी मैंने जैसे ये है टेक्स्ट है, कोई भी डिजिटल इमेज है उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में, यानी कि मैं यहाँ पर अगर डिजिटल और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन
डिवाइस को मैं अगर इसके ऊपर ऐसे करके प्रेस करते जाता हूँ यहाँ से, तो जितनी भी डिजिटल इमेज है, मतलब इमेज में, ये तो पीडीएफ हो गई, इमेज में कोई इमेज बनी है उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए OCR का यूज करता हूँ, ठीक है। और ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ सेल, आपको पता है पोस्ट टर्मिनल, जब हम कोई शॉपिंग करते हैं अपने कार्ड स्वाइप करते हैं तो उसको पोस्ट टर्मिनल बोलते हैं। द डिवाइस प्रिंट्स इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर ऑन द पेपर इज प्रिंटर, जैसे कि वो पोस्ट मशीन पे हम करते हैं, ठीक है, स्वाइप करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन सारी इसमें कार्ड और डिटेल वगैरह चली जाती है। और प्रिंटर आप जानते ही हैं, आपको यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी जो पेपर के फॉर्म में होगी वो हार्ड कॉपी की, सॉफ्ट कॉपी जो ये हम PDF यूज करें हमारी सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंटर, ठीक है। पेजेस पर मिनट इज द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, अगर हमें प्रिंटर की स्पीड जाननी हो तो वो किस में जानेंगे, PPM में, पेज पर मिनट, इसकी स्पीड नापते हैं हम PPM में प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप के होते हैं प्रिंटर। इम्पैक्ट से पता चल रहा है कि वो प्रिंटर जो पेपर पे इम्पैक्ट करते हुए, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट जो पेपर पे इम्पैक्ट नहीं करते, दूर से लेजर या बीम के थ्रू प्रिंट करते हों, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है। बाकी यही लिखा है, क्रिएट एन इमेज बाय यूजिंग सम मैकेनिज्म टू फिजिकली प्रेस ऑन इंक्ड प्रेस एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेज, मतलब कोई भी रिबन, इंक्ड रिबन जिसमें रिबन में स्याही लगी हो, इंक लगी हो, उसको पेज पे प्रेस करता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का मैकेनिज्म है। causing the ink to be deposited on the page in the shape desired, जो भी ऐसे ए बी के फॉर्म में इसमें डिजाइन हो जाते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। तो टाइप देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं उसमें डिटेल में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज प्रिंट हेड्स कंटेनिंग फ्रॉम 9 to 24 पिंस, क्वेश्चन में इसी लेवल का होगा तो आ सकता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कितने पिन यूज होते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। दिस पिन्स प्रोसेस पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। डेजी बीम प्रिंटर जैसे कि नाम से पता है, हैमर स्टिक्स होती है इसमें और पैटल स्ट्राइक का पैटल एक हैमर टाइप का लगता है, कंटेनिंग ए कैरेक्टर अगेंस्ट द रिबन, जो कि रिबन में जब आपने डेजी बीम प्रिंटर देखा होगा जो शॉर्ट हैंड का प्रिंटर होता है वो इसी टाइप का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। उसमें हम पैटल एक स्ट्राइक करते हैं ठक 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 करके, तो वो रिबन के ऊपर प्रेस होते जाता है और करेक्टर प्रिंट होते रहते हैं। लाइन प्रिंटर जैसे नाम से पता है, लाइन बाई पूरी लाइन 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 को प्रिंट करते जाता है, एक टाइम पर पूरी लाइन को छाप देता है। डॉट मैट्रिक एक करेक्टर छापता है, डेसी बिल एक करेक्टर छापता है, लाइन प्रिंटर पूरी लाइन के बारे में छाप देता है, ठीक है। और इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। दे कैन टिपिकली प्रिंट द रेंज ऑफ 1200 से 6000 लाइन पर मिनट, एक मिनट पे इतनी सारी छाप देते हैं, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। फिर आता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एक ड्रम टाइप का शेप होता है, उसमें हम कागज लपेटते हैं और उसमें टिक करके ये इम्पैक्ट करते जाता है। सिलेंड्रिकल ड्रम दैट हैज रेज कैरेक्टर्स इन बैंड्स ऑन इट्स सर्फेस, इसमें यही लिखा आप देख सकते हैं। चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, इनका यूज अब नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्शनिक हो चुके हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन्हीं का यूज है ज़्यादा सबसे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मैंने जो बताया था कि ये उसमें इम्पैक्ट नहीं करते हैं डायरेक्ट, अब मैकेनिज्म में क्या यूज़ होता है, क्योंकि इम्पैक्ट नहीं करते तो कुछ ना कुछ लेजर या बीम का यूज होगा। तो ये है इंक जेट प्रिंटर, वन और मोर नोजल इन द प्रिंट हेड एमिट स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंक ड्रॉप्स, ठीक है। ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड After leaving the nozzle, droplets are then guided to the paper and by electrical charge reflecting lids. इसमें डायोड वगैरह का यूज होता है, डायोड, ठीक है। डायोड क्या होता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली जो इसकी नोजल होती है उसमें इंक होती है, उसको ये उसमें स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो ये इंकजेट प्रिंटर का एक मतलब मैकेनिज्म है जो इसमें यूज होता है, और जो कि एग्जाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर, लेजर से पता चले कि लेजर का यूज होगा, लेजर प्रिंटर यूज
buffers that store an entire page at a time. When whole page is loaded, it will be printed. ठीक है, फिर है लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर, बड़े जो मतलब एक्सट्रीम लेवल के यूज के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए और जो बड़े बड़े बैनर और बोर्ड के लिए प्रिंट करने के लिए हमें प्लॉटर वगैरह का यूज करते हैं। ये इतना नहीं आएगा, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं। यूपीएस आपको पता ही है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब बिना रुके पावर सप्लाई करते रहना इसका काम है। फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन द प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट, ठीक है, जैसे बिजली चले आए 15 से 20 मिनट के लिए पावर सप्लाई करते रहे कंप्यूटर को, इसको बोलते हैं हम यूपीएस। उसके बाद आया मॉनिटर, मॉनिटर आपको पता ही है इज अ टीवी लाइक डिस्प्ले अटैच टू कंप्यूटर ऑन विच द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड एंड व्यूड, मतलब जो भी कंप्यूटर है ये हम जिस पे डिस्प्ले देख रहे हैं ये सारा मॉनिटर ही है। अब आता है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड टास्क आर टू बी परफॉर्म्ड इज नोन एज सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो कंप्यूटर के प्रोसेसर तक किसके थ्रू पहुंचता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पहुंचता है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं जो परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, तो ये क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर का ही टाइप है, तो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से क्या होते हैं, यूटिलिटी जैसे कि हमारे थर्ड पार्टी कोई भी प्रोग्राम, थर्ड पार्टी हम जो जैसे यूज करते हैं वो थर्ड पार्टी प्रोग्राम हो गए, मतलब सिस्टम के कंप्यूटर के अपने प्रोग्राम नहीं होंगे, वो हम कहीं से बाहर से यूज करते हैं तो वो थर्ड पार्टी हो गए, ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गए, टेक्स्ट जो खुद के ग्राफिकल आइकन वगैरह, मल्टीमीडिया जैसे विंडोज मल्टीमीडिया हो गया और अकाउंटिंग का टैली हो गया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि सिस्टम के लिए ही बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी यूजर के लिए ही बनाए जाते हैं लेकिन वो सिस्टम के अपने नहीं होते हैं, बाहर से बिल्ट करे होते हैं। दोस्तों तो आइए देखते हैं वन बाई वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइंड फॉर फुलफिल द डिमांड ऑफ एंड यूजर, एंड यूजर कौन हुआ, हमें हमारी, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करना, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा यूज होता है, ठीक है। तो इनका बेस्ट एग्जांपल है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बेस्ट एग्जांपल है। फिर आया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज कॉन्फिगर ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर सच एज एंटीवायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो मैंने बोला कि थर्ड पार्टी होते हैं, तो थर्ड पार्टी क्या मतलब एंटीवायरस हो गया, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी मीडिया हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर आया ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर। इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है डिटेल में फोर्थ यूनिट, ठीक है, कंप्यूटर जो हमारे वेब सीरीज की जो उसकी कंप्यूटर अवेयरनेस की वेब सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है, उसके फोर्थ यूनिट में मैंने इसको डिस्कस किया है पूरा डिटेल में। फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल शॉर्ट में, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है, प्रोसेस को मैनेज करना,
मेमोरी मैनेजमेंट का काम है कि उसकी मेमोरी को मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट का, जितनी फाइल हम सेव करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर में वो सारी फाइल को मैनेज करना, सिक्योरिटी एंटीवायरस वगैरह और जो मालवेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर उनको उनको मतलब अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, सिक्योरिटी हो गया, इन सब ये सब इनका काम है। फिर कमांड एंड इंटरप्रिटेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, जो भी कमांड होती है उसको एलोकेट करना, कौन सी कमांड पहले एग्जीक्यूट होगी कौन सी नहीं होगी, इन सबको एग्जीक्यूट करना, इनको एलोकेट करवाना हमारा इसका ही काम है। अब OS हमने डिटेल में पहले उस वीडियो में पढ़ लिया है, इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, OS क्या होता है, टाइप ऑफ OS क्या होते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच से नाम से पता चला कि कोई भी प्रोग्राम कोई भी कमांड है बैच में जाती है, एकदम से नहीं एग्जीक्यूट होती, बैच में जाती है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, पेटीएम जो बिजनेस ऐप है पेटीएम की, उसमें सुबह मॉर्निंग से अगर हमने ट्रांजेक्शन करने स्टार्ट किया तो एक बार में वो सारी ट्रांजेक्शन एक बार में सेटल होती हैं और एंड ऑफ द डे वो सेटल हो जाती हैं। तो क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ये। दूसरी चीज जो पोज मशीन होती है, पोज में हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन डे बिगन से किया है, स्टार्टिंग से किया है, वो डे एंड यानी कि एंड ऑफ द डे सारी ट्रांजेक्शन एक बार में सेटल हो जाती हैं, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ में रन होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। सिंगल यूजर जैसे कि हम लोग एक यूजर एक टाइम पे यूज़ करता है वो सिंगल यूजर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब एक टाइम पे सेवरल कंप्यूटर और सेवरल यूजर एक साथ में यूज कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। जैसे कि हम उसमें मतलब इंटरनेट में यूज़ करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर बहुत सारे यूजर होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं सर्वर में नेटवर्क में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि RTOS है, ये हमारे मतलब एक टेक इंजीनियरिंग वर्क में यूज होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में यूज होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज होते हैं। एक रियल टाइम में सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बोलूँ तो ट्रैफिक लाइट जो होती है उसको ऑपरेट करना, ट्रैफिक सिग्नल को क्लियर वाला, ठीक है। फिर आता है क्या ट्रैफिक को, फिर आता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में कोई मतलब टाइम अलॉट होता है उसको शेयर करते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउज द मैनी यूजर्स टू साइमल्टेनियसली शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब एक टाइम पे कंप्यूटर रिसोर्स को बहुत सारे यूजर शेयर कर लेते हैं, उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सिंस एक्शन और कमांड इन वन टाइम सिस्टम टेक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ओनली अ लिटिल टाइम इज नीडेड फॉर ईच यूजर। मतलब कोई भी यूजर इसको यूज करना चाहता है तो बहुत कम टाइम में इसको यूज कर सकता है, तो ये टाइम शेयरिंग कंप्यूटर कहलाता है। मोबाइल OS आपको पता है विंडोज 10 इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, नोगट और iOS का 10 वर्जन सबसे लेटेस्ट वर्जन है 10.14, ठीक है, 0.16 जिसका iOS का लेटेस्ट वर्जन है जो कि मोबाइल में यूज होते हैं सर। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, एक होती कंप्यूटर लैंग्वेज और एक होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के लिए यूज होती है कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए यूज होती है वो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ रहे हैं